नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का नियो वर्ल्ड टेक चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 2018 की अपकमिंग टॉप 10 वैकेंसी की। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी रिसर्च के बाद आप सभी के लिए मैं इस साल 2018 में आने वाली जो अपकमिंग टॉप 10 वैकेंसियाँ हैं वो वैकेंसियाँ मैं लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों आप इस पूरे वीडियो में बने रहें और जानें कि ये 10 कौन सी वैकेंसियाँ हैं जो इस साल आने वाली हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको सरकारी नौकरी की अलर्ट और जो भी नोटिफिकेशन, अगर जल्द से जल्द सबसे पहले चाहते हैं आप नोटिफिकेशन, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सब्सक्राइब के रेड बटन पर आप क्लिक जरूर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि आप जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आने पर आप उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों कौन सी हैं वो 2018 की अपकमिंग टॉप 10 वैकेंसियाँ, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेलवे 2018 की। तो दोस्तों रेलवे ने 2015 में अप्रोक्स 20,000 वैकेंसियाँ निकाली थी। उसके बाद से 2016 में कोई वैकेंसी नहीं निकाली, ना 2017 में निकाली है। तो दोस्तों 2018 में आपके लिए एक्सपेक्टेड वैकेंसी है 40,000 की। जी हाँ दोस्तों, 40,000 वैकेंसी रेलवे की आने वाली है और ये काफ़ी श्योर है कि इस साल रेलवे जो है वैकेंसी जो है वो लॉन्च करेगा। तो दोस्तों इसमें जो पोस्टें होगी वो मल्टीपर्पज़ जॉब होगी, जिसमें आप देख सकेंगे कि यहाँ पर एएसएम पोस्ट आपको मिल जाएगी, यहाँ पर एएलपी भी मिल सकती है आपको, टेक्नीशियन जो होती है वो पोस्ट मिल जाएंगी आपको, और यहाँ पर गुड गार्ड्स, ट्रैफिक असिस्टेंट की, इस तरीके की जो मल्टीपल जॉब्स होती हैं रेलवे में वो आपको देखने को मिल सकती है इस साल में। तो इस साल की शुरुआत में भी आपको जॉब मिल सकती हैं देखने को। लेकिन वन थिंग कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है आपकी प्रिपरेशन जो है, आपकी तैयारी जो है रिक्रूटमेंट को लेकर के, जो भी कोई भी भर्ती हो उसको तैयारी को लेकर के आप उस तैयारी पे लगे रहें। आप नोटिफिकेशन का वेट ना करें, नोटिफिकेशन सडन नहीं आएगा, आपके सामने एकदम से नोटिफिकेशन आएगा किसी भी भर्ती का, तो आप उस वक्त आपकी तैयारी कवर नहीं कर पाओगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे अगर इस चैनल में जो भी वीडियोज़ देख रहे हैं या इस वीडियो को भी देख रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप तैयारी को कंटिन्यूस रखें, ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपकी जो भी तैयारी आप कर रहे हैं उसमें प्रैक्टिस करते रहें कंटिन्यूस, ठीक है। दोस्तों आगे चलते हैं। तो सेकंड जो जॉब है वो है एसएससी सीजीएल की। तो सीजीएल की जो वैकेंसी है, क्योंकि सीएचएसएल तो अभी कंटिन्यूस वर्क चल रही है, ठीक है दोस्तों, अब जो अपकमिंग है वो है सीजीएल की। तो सीजीएल में जो वैकेंसी रहेगी वो रहेगी 8,000 से 10,000 के बीच में एक्सपेक्टेड है। इस ये वैकेंसी एक्सपेक्टेड में है 8,000 से 10,000 में, और एक्सपेक्टेड डेट जो होगी इसकी ये है फरवरी से मार्च के अंदर ये वैकेंसी आने की संभावना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, वो है एसएससी सीपीओ की। इसमें एक्सपेक्टेड वैकेंसी जो है 2500 है, रिपीट करता हूँ, 2500 एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं, और इसमें एक्सपेक्टेड जो डेट है वो है मई टू जुलाई। जी हाँ दोस्तों, मई टू जुलाई इसकी एक्सपेक्टेड डेट्स हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, फोर्थ है LIC AAO। दोस्तों 2017 में ये वैकेंसी नहीं आई थी, क्योंकि LIC ने 2017 में ये वैकेंसी लॉन्च नहीं की थी, तो इस बार उम्मीद है कि ये 1,000 वैकेंसी लेकर के आएगी। तो ये आपको वैकेंसी जो एक्सपेक्टेड डेट है इसकी जनवरी से फरवरी के बीच में आपको इसकी वैकेंसी दिख जाएगी, आपको इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर वक्त हर वीडियो में कि आप आपकी जो प्रिपरेशन है इसकी, कोई सी भी वैकेंसी हो, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की या एसएससी की, तो आप उस प्रिपरेशन को कंटिन्यूस रखें, आप उसे छोड़ें नहीं। आप ये मत सोचें कि वैकेंसी अभी तक तो कोई आई नहीं है, कि वैकेंसी फ्यूचर में आएगी भी नहीं। तो आप अगर अपनी तैयारी अगर छोड़ देते हैं तो आपके पैर पे कुल्हाड़ी आप खुद मारेंगे, क्योंकि इसमें होगा क्या, सडनली कोई भी वैकेंसी आएगी, तो वैकेंसी आने पर आप अगर आपकी प्रिपरेशन में लगेंगे तो आपने जो भी पढ़ा है वो सब आपका ब्लैंक आउट हो जाएगा और आपको उसको कवर करने में टाइम लग जाएगा। क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें क्या है कि पैटर्न थोड़ा अलग ही आ रहा है और उसमें थोड़ा हटके आ रहा है। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप आपकी तैयारी कंटिन्यूस रखें और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आपके दिमाग में वो चीज़ बिल्कुल फीड हो जाएगी, मेमोरी में आपके एकदम बिल्कुल फीड हो जाएगी आपके दिमाग में। तो दोस्तों आप तैयारी रखें, ठीक है। ये बात थी फोर्थ नंबर की LIC की
एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट ऑफिसर की। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं LIC की ADO की। ये ADO वैकेंसी दोस्तों 2 साल हो गए, 2000 अब बात करते हैं 2016 और 2017, ये 2 साल तक ये ADO की वैकेंसी नहीं आई है। तो इस साल काफ़ी हद तक उम्मीद है कि ये वैकेंसी आ ही जाएगी, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं ADO की। ठीक है दोस्तों, ये वैकेंसी की जो एक्सपेक्टेड डेट है ये होगी फरवरी की, और वैकेंसी जो है 1000 वैकेंसी आ सकती है इसके अंदर, तो दोस्तों आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं SBI क्लर्क की। दोस्तों SBI क्लर्क वैसे तो अक्सर आती है, तो दोस्तों SBI की जो वैकेंसी रहेगी उसका नो डिस्क्लोज़र है, क्योंकि ये वैकेंसी के डिस्क्लोजिंग नहीं हो पाएगी अभी, क्योंकि एक्सपेक्टेड डेट जो है जनवरी से फरवरी के बीच रहेगी इसकी। ठीक है दोस्तों, तो ये वैकेंसी के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं इस साल के लिए। और सेकंड है 7वें नंबर पे, वो है SBI PO की। दोस्तों ये भी एक रेगुलर वैकेंसी है जिसमें हर साल आप देखते हैं कि SBI PO की वैकेंसी लेकर के आता है, और इस साल जो इसकी एक्सपेक्टेड डेट है वो है मार्च-अप्रैल। ठीक है दोस्तों, वैकेंसी नो डिस्क्लोज है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, बात करते हैं 8 नंबर पे RBI असिस्टेंट की। दोस्तों RBI असिस्टेंट जो रेगुलर वैकेंसी है ये हर साल आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ये कुछ वैकेंसीज हैं जो रेगुलर आपको हर साल देखने को मिलती हैं। क्योंकि एक तो बात करें अपन RBI की, एक RBI हो गई, एक SBI PO और एक IBPS और RRB की, ये वैकेंसियां हैं जो रेगुलर वैकेंसीज हैं जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि हर साल ये वैकेंसीज आती है। ठीक है दोस्तों, तो इस RBI असिस्टेंट की जो वैकेंसी है इसकी एक्सपेक्टेड डेट है जून टू जुलाई, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आती है 9 नंबर पे RRB क्लर्क की और RRB PO की। ये वैकेंसी रेगुलर वैकेंसी है, लास्ट ईयर भी आई थी और इस साल भी आने की संभावना है, तो इसकी एक्सपेक्टेड डेट जो है रेगुलर टाइम है, जो लास्ट ईयर जो टाइम था वही टाइम इस साल रहेगा इसका, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है 10 नंबर की वैकेंसी जो है लास्ट टॉप 10 वैकेंसी, ये है IBPS क्लर्क की, IBPS और PO की। ठीक है दोस्तों, ये भी एक रेगुलर वैकेंसी है, एक्सपेक्टेड डेट है रेगुलर टाइम जो लास्ट ईयर था। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था कि आपको जो टॉप 10 वैकेंसीज़ हैं जिसमें पब्लिक का काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, और पब्लिक आप जैसे कैंडिडेट्स हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये वैकेंसीज़ कब आएंगी और ये आने की संभावना है भी या नहीं, तो मैं आपके लिए ये वीडियो इसीलिए लेकर आया हूँ। तो आप सभी से उम्मीद है कि मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सब बस इनकी तैयारी करें, क्योंकि अगर आप वैकेंसी का वेट करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप वैकेंसी का और नोटिफिकेशन का वेट ना करें, आप सिर्फ आपके प्रैक्टिस में लगे रहें, क्योंकि वैकेंसी सडनली आएगी। और आज की तारीख में आप देखेंगे कि ऑनलाइन का टाइम है, ऑनलाइन का ज़माना है, फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं, और अब आने वाले फ्यूचर में आपने जैसा कि पुराने मेरे वीडियोज़ में देखा होगा कि एक मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैंने रेलवे की एक न्यूज़ दी थी कि रेलवे अब जो है 2 साल की जगह 6 महीने के अंदर रिक्रूटमेंट करेगा। तो दोस्तों अगर 2 साल की जगह अगर रेलवे 6 महीने के अंदर कर सकता है रिक्रूटमेंट्स, तो दूसरी वैकेंसीज जो हैं RBI बैंकों में हुआ, इंश्योरेंस में हुआ, तो ये तो पहले से ऑलरेडी ऑनलाइन है, तो ये इनसे भी कम शॉर्ट टर्म में कर सकेंगे वैकेंसी कंप्लीट। तो दोस्तों आप सभी से इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ वैकेंसी का वेट ना करें, आप अपनी सिर्फ तैयारी में लगे रहें, क्योंकि तैयारी अगर अभी से करोगे आप तो आप फ्यूचर में आप जो भी नोटिफिकेशन जारी होगा तो आप उसमें पास हो सकोगे और आप जॉब पा सकोगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको इन सभी वैकेंसीज़ के एग्ज़ाम के पैटर्न की डिटेल्स बताऊँगा और सिलेबस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं उसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ, उसकी प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ कि उसका जो अब जो 2018 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके अंदर जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप इसी की तैयारी करें, या तो बैंकिंग सेक्टर की या इंश्योरेंस सेक्टर की। ठीक है, और अगर आप SSC या रेलवे में जाना चाहते हैं तो आप इनकी तैयारी करें, क्योंकि दोस्तों
एसएससी और रेलवे अलग ट्रैक हो गया, और आईबीपी बैंक्स और इंश्योरेंस ये अलग ट्रैक हो गए, ये फाइनेंस में चले गए, ये इंडस्ट्री में चले गए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इनका जो पैटर्न्स होता है एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस होता है वो अलग अलग डिफरेंस होता है, क्योंकि इसमें जो जीके और जो करंट अफेयर्स आती हैं और रीजनिंग आती हैं ये डिफरेंस आती है, दोनों में अलग अलग आती हैं। इनमें जो इंग्लिश आती है वो भी अलग आती है, ठीक है दोस्तों। जो भी साइंस आती है, जो कुछ भी आता है, तो इनमें बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि बैंक्स और इंश्योरेंस में तैयारी थोड़ी हार्ड होती है, और इनमें इनमें भी हार्ड होती है, लेकिन इनमें चांसेस होते हैं क्लियर करने के, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, तो दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप बस अगर आपको बैंकिंग लाइन में जाना है तो आप बैंकिंग लाइन की तैयारी करें, इंश्योरेंस लाइन की तैयारी करें, और अगर आपको इंडस्ट्री लाइन में जैसे एसएससी या आपको रेलवे की लाइन में जाना है, रेलवे की नौकरी करनी है, तो आप उनकी तैयारी करें, क्योंकि अगर आप एक टारगेट को लेके चलेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है दोस्तों। अगर आप दोनों की कोशिश करेंगे तो आपकी तैयारी प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी, क्योंकि पैटर्न अलग अलग होते हैं दोनों में। तो आपसे रिक्वेस्ट है सिर्फ आप एक ही टारगेट लेके चलें और उसकी तैयारी करें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, और आप सभी से रिक्वेस्ट एक बार फिर मैं करता हूँ कि आप सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी पाने के लिए, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।